नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ हनू सिंह। 14 फरवरी 1952 में जन्मी सुषमा स्वराज ने एक प्रखर वक्ता होने के साथ ही अपना लोहा एक ऐसे नेता के रूप में मनवाया था जिनका उनके विरोधी भी सम्मान करते हैं। आज उनकी जयंती के मौके पर देश की इस दमदार सशक्त महिला की राजनीतिक करियर पर आइए नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने व्यक्तिगत रूप पर सम्मान कमाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को सम्मान दिलाया। वो अपने दमदार भाषण में जितनी आक्रामक दिखती थी, निजी जिंदगी में उतनी ही सौम्य और सरल थी। आज मैं अपने देशवासियों के सामने बहुत भारी मन से एक अपील करने के लिए खड़ी हूँ। मेरे साथ गीता खड़ी है। ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है। ये वही लड़की है जो 10-12 वर्ष पहले सरहद पार पाकिस्तान पहुंच गई थी। जब साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद सोनिया गांधी के मुख्यमंत्री बनने और कांग्रेस की सत्ता वापसी की चर्चाएं होने लगी, तब सुषमा स्वराज का अलग ही रूप देखने को मिला था। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतार कर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। ये मेरा कठोर व्रत है। सुषमा स्वराज मजबूत इरादों वाली एक सशक्त महिला रही हैं। पूर्व विदेश मंत्री, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रह चुकी सुषमा स्वराज की गिनती भारतीय राजनीति के तेज तर्रार वक्ताओं में रही है। सुषमा स्वराज का एक ऐसा ऐलान जिसने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी थी, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था। सुषमा स्वराज ने ऐलान कर दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वो अपने पद से त्याग देंगी, साथ ही बाल मुड़वाकर भिक्षुणी भी बन जाएंगी। दरअसल 1999 के लोकसभा चुनाव के साथ ही सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी के बीच अदावत की शुरुआत हो गई थी। तब सुषमा स्वराज ने कर्नाटक और बेल्लारी सीट से UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बेल्लारी सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। सोनिया गांधी की चुनावी मुहिम में वो उस वक्त कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में एक थी। ये वो दौर था जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के मुद्दे भी काफी मुखर थे। वहीं BJP ने इस सीट से सुषमा स्वराज को सोनिया गांधी को टक्कर देने के लिए उतारा था। हालांकि BJP की पकड़ कर्नाटक में अच्छी नहीं थी, खास तब जब इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सुषमा स्वराज ने कर्नाटक के लोगों से संवाद करने के लिए 15 दिन में कन्नड़ भाषा सीखी थी। भले ही इस चुनाव में उन्हें जीत ना मिली हो, लेकिन कन्नड़ में अपनी बात रखकर उन्होंने बेल्लारी के लोगों का दिल जीत लिया था। सुषमा स्वराज सोनिया गांधी से मात्र 7% वोटों के अंतर से हारी थी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।